हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हो, ये एक उषा का मशीन है और इसमें दिक्कत ये आ रही है कि सुई रड जो है वो नीचे हो गया है। तो इसको हम लोग ठीक कैसे करेंगे इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, सुई आपका बहुत नीचे हो गया, सेटल से बहुत नीचे है आपका सुई। तो सेटल से नीचे, इसमें हाँ कोई दिक्कत। दिक्कत आएगा आपका, और जब मोटा कपड़ा इसमें दीजिएगा तो सुई तोड़ देगा आपका। मोटा कपड़ा दीजिएगा तो हाँ सुई तोड़ देगा। हाँ बार बार सुई टूटेगा इसमें। तो इसको ठीक कैसे करें। इसको आप ठीक करने का हम बता रहे हैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग जो है इसको खोल लेते हैं ताकि समझ में आए। तो सबसे पहले आपको ये खोल लेना है। अगर सुई रड नीचे हो गया है तो उसको ठीक कैसे किया जाएगा वो इस वीडियो में हम लोग अभी बता रहे हैं। हाँ बताइए। देखिए इसको खोल देते हैं। ठीक है, ये खुल गया। सबसे पहले सुई को नीचे कर देते हैं हम। देखिए यहाँ जो नट रहता है अंदर में, इस साइड से थोड़ा ढीला करना पड़ता है। अच्छा, तो इस साइड से ढीला करना पड़ता है। यहाँ ढीला कर लीजिए। तो यहाँ पर ढीला कर लेना है। अब देखिए इधर इसको हम ऊपर करते हैं, यहाँ से ऊपर करेंगे। कहाँ से? यहाँ से। अच्छा, उसको पकड़ के। हाँ पकड़ के जितना जाएगा इधर देख लीजिए। देखिए इतना में रखना है आपको यहाँ। अच्छा इधर देखिए, इतना में रखना है। देखिए सुई का नोकी जो है इतना रखना है, जो सुई का नोकी है वो इतना दूर तक रहना चाहिए। यहाँ रहना चाहिए, हल्का नीचे आना चाहिए, ज़्यादा नीचे आएगा तो सुई तोड़ता है इसमें। अच्छा अब इसको हम टाइट कर देते हैं। तो उसके बाद इसको टाइट कर लेना है ना। हाँ टाइट कर लेना है। इसको फुल टाइट होना चाहिए ताकि मोटा कपड़ा जाएगा तो ऊपर नहीं फटना चाहिए। अच्छा, तो इसको जितना हो सके उतना टाइट कर लेना है ताकि जब कपड़ा जाएगा तब ये ऊपर नहीं भागेगा। टाइट हो गया, अब हम चलिए लगा देते हैं। चलिए ये लग गया है। चलिए तो ये मशीन अब ठीक हो चुकी है। देखिए ठीक हो चुकी है ये मशीन। और इस वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हमारा आगे आने वाला नया वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। तो अगर इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आ रही है तो हमारा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वीडियो में भी हमारा नंबर रहेगा, आप लोग संपर्क कर सकते हो, फ़ोन लगा के पूछ सकते हो।